रवि सुनो, बच्चों के एग्जाम पूरे हो गए हैं। अब थोड़े दिन के लिए बच्चों की छुट्टी है। सोच रही हूँ 3-4 दिन मम्मी के यहाँ हो। नंदनी का इतना कहना था कि रवि बोल पड़ा। क्या 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 कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। सोच रही हो 3-4 दिन मम्मी के यहाँ हो आओ। एक तो पीहर का नाम सुनते ही पतियों के तन बदन में आग लग जाती है। ऊपर से रुकना तो जलती आग में घी डालने के बराबर काम करता है। उस समय रवि ने कुछ नहीं कहा और अपना काम करके ऑफिस चले गए। शाम को जब ऑफिस से वापस आए तो जनाब का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ ही था। नंदनी ने पूछा, क्या हुआ, आज बड़े उदास लग रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ भी हुआ हो तुम तो जाओ। अरे ये क्या बात हुई, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या मतलब है मुझसे? तुम्हारा तो मन पीहर में ही लगता है। अभी कुछ कह दूंगा तो लड़ने बैठ जाओगी। पिछली बार याद है ना, मेरे दोस्त रोहन के घर से आते हुए कार में कितना लड़ी थी तुम? गुस्सा करके रवि वहां से चला गया। नंदनी वही खामोश खड़ी रह गई। उस बात को यहाँ बोलने का क्या मतलब था? वो तो 2 महीने पुरानी बात थी और तब भी गलती रवि की ही थी। तो फिर अभी मुझ पर गुस्सा करके मुझे दुखी करने का क्या मतलब? दिन भर कितनी खुश थी वो, कितनी सारी तैयारियां की थी उसने। पूरे 8 महीने बाद अपने पीहर रुकने के लिए जा रही थी। ऐसे ही बीच में 1-2 दिन के लिए सुबह से शाम तक तो गई थी, पर रुकने में जो मजा है वो सुबह से शाम तक में क्या। बच्चे भी कब से नानी नानी की रट लगाए हुए थे और जब उधर पीहर में भैया भाभी और माँ बाबा को पता चला तो वहां तो जैसे कोई उत्सव की तैयारियां होने लग गई हो। कहने को 8 साल हो गए, घर में सास ससुर भी रहते हैं और दोनों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, परंतु पति देव पीहर जाने की बात पर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे पति देव को सियाचिन की यात्रा पर ले जाने की बात कर दी हो। नंदनी वही खड़ी उदास हो अपने मन को समझाने लगी। भारी कदमों से अपने कमरे में गई। रवि की तरफ उसने देखा लेकिन रवि ने नंदनी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहां से कर ली शादी, सच में ये तो ऐसा लड्डू है जिसे खाकर भी पछतावा होता है और नहीं खाओ तो और भी ज्यादा पछतावा। दूसरे घर में आओ, दूसरे घर को अपनाओ, उनकी पसंद नापसंद के अनुसार अपने जीवन को बदलो। पूरी तन्मयता से सुबह से शाम तक परिवार को संभालते रहो, अपना बनाते रहो। और जब कभी महीनों में अपनी माँ के घर जाने की बात करूं तो पतिदेव का इतना नाटक सहो, खुद की माँ से तो एक दिन भी दूर नहीं रह जाता। ऑफिस से आते ही पहला प्रश्न यही होता है, माँ कहाँ है? और मेरी माँ, क्या मुझे याद नहीं आती मेरी माँ की? क्या मेरा मन नहीं होता कि मैं भी उनकी गोद में सर रखकर लेट जाऊं और माँ मेरे बालों को सहलाए? क्या मेरा मन नहीं होता कि मुझे भी रसोई के कामों से 2-4 दिन के लिए छुट्टी मिले, माँ और भाभी के हाथ का रसीला भोजन मैं भी चखूं? क्या बच्चों का मन नहीं होता कि उनके बराबर के बच्चों के साथ जाकर नानी से खूब धमाल मचाए? लेकिन नहीं, इन सबके साथ एक बात और बता दी जाती है, क्या कमी है तुम्हारे जीवन में जो जब देखो तब घर की बातें करती रहती हो? ऐसा भी बहुत कुछ देखकर नहीं आई हो वहां पर? मम्मा पापा का मन नहीं है तो रहने दो, फिर कभी चलेंगे, नंदनी के बच्चों ने कहा। बच्चे बेचारा उदास सा मन करके अपनी पढ़ाई करने बैठ गए। पूरे माहौल में उदासी छा गई। ये पहली बार नहीं हो रहा था नंदनी के जीवन में। इन 8 सालों में ऐसा कई बार हुआ है, जब भी वो पीहर रुकने की बात करती रवि के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन आ जाता और पता नहीं कब कब की बातें निकाल कर नंदनी के सामने रख देता। फिर चाहे वो पहली एनिवर्सरी के पिछले रात हुई लड़ाई हो या शादी के 3रे साल में मुन्ना होने के बाद में उसके खाने पीने को लेकर हुई लड़ाई हो। एक बार तो दोनों होटल में ही लड़ दिए थे, वो बात तो रवि कभी कहने से ही नहीं चुकता और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देता है जिससे नंदनी का मूड खराब हो जाए। जब भी रवि को अपनी बात मनवानी होती है वो पुरानी कोई भी लड़ाई की बात याद करके या फिर गुस्सा करके नंदनी का मूड खराब कर देता है। नंदनी हर बार रुट जाती और रवि का प्लान सक्सेस हो जाता। नंदनी सोचने को मजबूर हो गई। शादी के लड्डू का फीका स्वाद बहुत खा लिया, अब इनमें मिठास भरने की बारी है। अगले सुबह 10 बजे रवि मुस्कान लेकर उठा और बड़े गर्व से अपने कमरे में सरसरी निगाह डाली कि कल के पैक किए हुए बैग अब तक तो खुल ही गए होंगे, लेकिन ये क्या, कल शाम 3 बैग थे और आज वो बढ़कर 4 हो चुके थे।
बहुत सारे गिफ्ट्स भरे थे उसमें। इसका मतलब नंदनी ने प्लान चेंज नहीं किया था। उठकर दौड़ते हुए हॉल में गया, देखा तो नंदनी तैयार हुए खड़ी थी, साथ ही बच्चे भी। रवि मन ही मन सोचने लगा, इस बार उसकी चाल कैसे फेल हो गई। उसने एक आखिरी तीर छोड़ने का सोचा। एक बार फिर अपने कमरे में गया और नंदनी से बोला, रविवार का दिन है और तुम बच्चों को लेकर जा रहे हो, मैं भला दिन भर यहाँ क्या करूँगा। हर बार जो नंदनी रवि के ऐसा कुछ कहते ही अपना मन मार कर रुक जाती थी, आज बात को बहुत हल्के में लेते हुए बोली, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हर बार रविवार मेरे साथ ही मनाते हो। घड़ी देखी आपने, 10 बज रहे और मैं सुबह 6 बजे से रसोई में लगी हूँ। इसके बाद में अब आप नहाएंगे, खाना खाएंगे और टीवी चलाकर बैठ जाएंगे, फिर कोई साउथ की अजीब सी मूवी देखेंगे और शाम को चले जाएंगे अपने यार दोस्तों से बात करने के लिए। इसे पूरे रविवार में मेरे लिए कितना समय निकाला आपने। नंदनी ने भी बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैंने तो आज ही पिक्चर देखने का प्लान बनाया था। कौन सी साउथ की मूवी? आप ही देखिए साउथ की मूवी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तीर निशाने पर नहीं लगा तो रवि एक बार फिर प्यार से बोला, सच बताओ नंदनी, इस बार तुम रूठी नहीं। रवि ने बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए नंदनी की तरफ देखते हुए कहा। रवि को लगा कि नंदनी आखिरकार मान ही गई और अब बोलेगी, आपको जैसा पसंद हो, आपका मन नहीं है तो मैं नहीं जाती, रुक जाती हूँ, भला आपको रूठा कर और मैं रूठ कर कैसे खुश रह पाऊंगी। तभी नंदनी बोली, पतिदेव अब रूठने का मन नहीं करता, आपकी चालाकियां समझ गई हूँ मैं। नंदनी बच्चों के साथ अपने पियर की तरफ रवाना हुई। रवि का चेहरा देखने लायक था, इतने सालों का प्लान आज फेल हो गया था। ठीक है चली जाओ, अब नहीं आऊंगा लेने, अब रवि बड़बड़ा रहा था। रवि किससे बात कर रहा है, नंदनी जा चुकी है और ये क्या बचपना लगा रखा है, क्यों हमेशा उसको पीहर जाने के लिए रोकता रहता है, क्या उसका मन नहीं होता, शादी की है या उसको जेल में बंद करने लाया है। नंदनी जब घर वापस आए तो मुंह सुझा कर मत रखना, उसने इस घर को अपनाने में क्या कमी छोड़ी है जो तू उसके पीहर जाने पर इस तरीके से हर बार नाटक खड़ा कर देता है। हर बार तो तुम दोनों के बीच मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज नंदनी ने कदम उठाकर बहुत अच्छा काम किया है। अपनी माँ से मिलने का मन तो सभी का होता है, खुद तो अभी तक मेरा पल्लू नहीं छोड़ पाया और उससे उम्मीद करता है कि वो हमेशा तेरे पल्लू से बनकर रहे। एक बात समझ ले बेटा, ये शादी का लड्डू है, जब तक मीठा बना रहता है तब तक इसमें स्वाद बना रहता है, रिश्ते की मिठास इसका स्वाद बढ़ाती है, कड़वाहट रखने से इसका मजा किरकिरा हो जाता है, समझे रवि तुम। रवि की माँ ने कहा, ठीक है माँ समझ गया, लेकिन आप भी ना अपनी बहू की तरफदारी करने लगे हो। क्यों ना करूँ, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। माँ की बात सुनकर रवि भी मुस्कुरा दिया, आज हार में भी उसे खूबसूरत सी जीत महसूस हो रही थी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।